हाय गाइज, मेरा नाम है शुभम। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक विद शुभम में। तो दोस्तों, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में बात करूँगा कि अगर आप डिश टीवी यूज करते हैं और आपका डिश टीवी अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया गया है, आप खुद करवा भी सकते हो। कंडीशन दो हो सकता है, या तो आप खुद करवाए हुए हो या आपका ऑटोमेटिक किसी भी कारण से आपका डिश टीवी कंपनी से अगर टर्मिनेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो ये पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, मैं आपको इसमें प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ओके, तो बताना चाहूँगी, चलिए बताने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको डिश टीवी से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट वाले हमारे चैनल के सेक्शन में जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाउ टू यूज डिश टीवी ऐप। इस प्लेलिस्ट में पूरी सारी वीडियो का सॉल्यूशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डिश टीवी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रही, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कैसे उसे देख के यूज कर सकते हो, तो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं, बताने चाहिए ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग में कब आया, जब हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया, जब हमारे व्यूअर ने सुनील यादव जी ने कमेंट किया, और उनके साथ क्या हुआ है कि ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर दिया गया है कस्टमर केयर के साइड से। तो मैंने उन्हें अपना वीसी नंबर प्रोवाइड कराया था, जिसके बेस पे मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया, और बात करने के बाद हमें पता चला कंडीशन क्या है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको प्रोसेस के लिए, सब एक्टिवेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है कि आपके डिश टीवी अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है दोनों, तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा एक डिश टीवी का ऐप है, माई डिश टीवी ऐप। आप प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च कर सकते हो माई डिश टीवी ऐप, और वहाँ से आप डिश टीवी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप उसे ओपन कर लेते हैं। अगर ओपन करने के बाद, आप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है, जैसे कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हो आप, चाहे कोई भी कंडीशन में कोई भी इशू आ रहा हो, तो आप प्लेलिस्ट में, जैसे मैंने बताया है आपको, उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा। उसमें हर एक कंडीशन का आपका वीडियो है, आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो का सॉल्यूशन दे दूंगा वीडियो बनाकर। ओके, बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे ही ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, हर एक चीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे थ्री डॉट लगा हुआ है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक और क्लिक करना है, नाम जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है उस नाम पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही नाम पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगी कि आपका किस नाम से है, किस क्या वीसी नंबर है, अकाउंट बैलेंस आपका कितना पड़ा हुआ है, रिचार्ज डेट क्या है, स्विच ऑफ डेट क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब्सक्राइबर पैक, ठीक है, नेक्स्ट रिचार्ज अमाउंट क्या होगी, सारे चीज़ शो होगा। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं अवेलेबल है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जैसे कि हमें चेंज करना है सपोर्टेड, तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया, मैंने कोई भी मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है ना, यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो मेरे को चेंज नहीं करना है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं करूँगा। और ईमेल आईडी के भी सेम प्रोसेस है, अगर आपको ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी पर क्लिक कीजिएगा, देन उसके बाद सेव कर दीजिएगा, आपका ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड हो जाएगा, और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप कर सकते हो। तो चलिए, आप करना क्या होगा, जब दोनों रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद करना क्या है, करना आपको ये है कि यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन के ऑप्शन आने के आएगा, वहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है ईमेल आईडी, कस्टमर केयर एट द डिश टीवी डॉट इन, ठीक है, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, अपना वीसी नंबर लिखना है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, और कब से आपका डिश टीवी डीएक्टिवेट है। अगर डेट नहीं मालूम है तो कोई इशू नहीं है, डेट आपको मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आपको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, आप डिपेंड आप पे करेगा कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो। उसके बाद आप लिख लीजिए जो भी कंसर्न है आपका, ठीक है, वो आपको लिखना है, और
आपको ये customercare@dishtv.in पर आपको मेल कर देना है। जैसे ही मेल करेंगे आप 24 घंटे के अंदर में आपका मेल का रिवर्ट मेल आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको करना क्या है, सिर्फ 950179 पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको बताना है कि मैंने एक मेल किया है जिसका रिवर्ट मेल अभी तक नहीं आया है। चाहे आप बात कीजिएगा डायरेक्ट, ये बोलिएगा कि मेरा जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो चुका है, उसे एक्टिवेट कराना है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो ही वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी कॉल करेगा। फिर भी अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड दोनों हो जाए उसके बाद ही आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने चैनल पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, मोबाइल से रिलेटेड वीडियो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो, डिश टीवी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।